शंकर जी सुनाते जा रहे हैं सुनाते जा रहे हैं, बीच में माता पार्वती सो गई। वो जो तोता सुन रहा था उसने देखा माता जी तो सो गई, इतने में हुंकार भरना बंद हो गया, शंकर जी कथा को बंद कर देंगे, फिर मेरी भी कथा अधूरी रह जाएगी। फिर वो तोता भी हुंकार भरते रहा, बोले आगे बोलो। उसको बाद में क्या हुआ, बड़ी प्यारी कथा है, बोले बाबा तो सुनाते 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 ही जा रहे हैं। फिर जब कथा की विश्राम हुई, फिर शंकर जी बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। जोर से बोलो बोले श्री बांके बिहारी की जय। श्री श्यामर रामचंद्र की जय। जब उन्होंने जयकार भरी, इतने में तो मैया पार्वती की नींद भूल गई। जब नींद भूल गई बोले उसको बाद में क्या हुआ, बोले कथा तो विश्राम हो गई। बोले नहीं मैं तो बीच में सो गई थी। बोले सो गई से गई थी, अभी तो तू उकार भर गई थी। बोले नहीं मैं तो सो गई थी। शंकर जी ने देखा पर ये अमर कथा किसने सुना है, क्योंकि ये कथा जो सुनेगा मरेगा नहीं। अब ये कथा तो सभी नहीं सुन सकते हैं, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति ये कथा सुन ली, अगर ये अमर बन गया तो दुनिया के लिए हानिकारक है। शंकर जी देखने लगे कौन ये ब्रह्म ज्ञान को छुप करके सुना। देखते देखते देखा उस वृक्ष के ऊपर में एक तोता बैठ करके सुन रही है। शंकर जी उठाया त्रिशूल और उसको मारने के लिए पीछा की, वो तोता उड़ते जाए उभरा जा, इसलिए तोता उड़ते जाए शंकर जी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। ऐसे करते करते जब बद्रीनाथ में पहुंचे, अब लोग बद्रीनाथ गए हो, कौन कौन बद्रीनाथ गए हो, हाथ उठा कौन कौन बद्रीनाथ गए। हाँ, वहां पर व्यास गुफा है, जहां पर श्री व्यास देव जी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिखे। जब उन्होंने वहीं पर पहुंचे, देखा वहां पर भी श्री व्यास देव जी अपना पत्नी बिटका को यही भागवत कथा सुना रहे थे, और सुख पक्षी ने वहीं पर उड़ते उड़ते गया और उनकी पत्नी ऐसे मुंह खोल करके कथा सुन रही थी। तोता ने सूक्ष्म रूप धारण करते हुए उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर जी ने देखा तोता तो यही उड़ते उड़ते आया, ये गायब कहाँ हो गई। व्यास देव जी ने पूछा भोले बाबा आप कहाँ से भागते भागते आ रहे हो। बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया। बोले कि तोता ने अमर कथा सुन ली। बोले ये अमर कथा का मतलब क्या। बोले जो सुनेगा मरेगा नहीं। बोले ये तोता ने कथा सुनी कि नहीं। बोले हाँ सुन ली। बोले सचमुच से आप भोले ही हो, सचमुच से आप भोले ही हो, आप स्वयं कहते हो जो कथा सुनेगा मरेगा नहीं, आप फिर उसको मारने के लिए पीछा कैसे कर रहे हो, अगर वो कथा सुन लिया तो। शंकर जी ने देखा भैया बात तो सही बात, अभी तक तो मेरे ध्यान रही नहीं। देखो शंकर जी सोच रहे हैं ये भागवत कथा कौन सुन सकता है, सभी नहीं सुन सकते, पापी तो कथा में बैठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है पापी। शंकर जी ने देखा जिसकी करोड़ों करोड़ों जन्म की कोई पुण्य उदय होगा तभी ये कथा में बैठ सकता है, ये कथा को सुनी किसने। शंकर जी हैं ये सुनी किसने। शंकर जी ध्यान लगाए ये तोता कौन है। जब उन्हें ध्यान लगाए ना शंकर जी सब चीजें देखे, सारे चीज को शंकर जी ने देखा ये तोता कौन है। बले प्रिया सुख श्री वृषभानु जाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनीना एकांत कनन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवास। इन्होंने देखा ये गोलोक वृंदावन में ये राधा रानी की ये प्रिय तोता है, जो राधा रानी के निकुंज में रहता था। राधा रानी जिनको अनार की दाना खिलाया करती थी, कभी कभी राधा रानी इसको कृष्ण की स्वरूप मान करके कभी उनको चुंबन करती थी, इसलिए राधा जी की अधरा कर तो तोते की मुंह में लगा हुआ है। और जैसे भगवान राम जब ये जगत छोड़कर गए, संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर गए, लेकिन एक व्यक्ति को लिया नहीं, बताओ तो किसको लिए नहीं, बोलो हर जोर से बोलो, भगवान राम किसको नहीं लेकर गए, किसको छोड़कर गए, हनुमान जी महाराज को, श्री हनुमान जी। बोले हनुमान अगर तू चले जाओगे फिर मेरी कथा को कौन प्रचार करेगा, इसलिए प्रभु सब अयोध्या वासियों के लिए, लेकिन केवल
केवल श्री हनुमंत लाल को छोड़कर गई और हनुमान जी ने जगत में राम भक्ति को प्रचार किया। इसलिए कहते हैं ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, और दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। I'm
चरणों की धूल में मैं जाऊं, चरणों की धूल में जाऊं, अभी आज यही है कहीं दूरी न जाओ। मतलब क्या होता है? बोले कल्प वृक्ष को नीचे बैठ करके आप जो कुछ उससे मांगोगे ये कल्प वृक्ष सारी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। इसलिए हम लोग कथा नहीं सुन रहे हैं, हम लोग श्री गुरुदेव सामने ये खंभा आ रहा। अगर ये सात दिन को अंदर में अगर कोई भागवत कथा को सही सही सुन एक मन से संकल्प करते हुए हैं, नियम को करते हुए अगर ये भागवत कथा कर सुने तो पद्म पुराण में बताया है जिनको संतान नहीं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, जिसकी अर्थ की जरूरत है पैसा नहीं निर्धन है ये भागवत कथा उसे धन प्रदान करती है, जो दुखी है भागवत कथा उसे सुख प्रदान करते हैं। कहते अकाम सर्व काम का मोक्ष काम उदार दी, जो निष्काम हो उस